फ्रेंड्स हम आ चुके हैं कहानी। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं चोकरधानी, जो कि है नागपुर अमरावती हाईवे पर। यह है चोकरधानी का मेन गेट। मैं आपको बता दूं कि नागपुर 0 माइल से चोकरधानी 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर आप नागपुर में हैं और अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ हैंगआउट के लिए एक जगह देख रहे हैं, तो चोकरधानी बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपके लिए यहाँ एक वैल्यू फॉर मनी वाली डील हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इस ट्रिप का मज़ा लेते हैं। आप देख सकते हैं हम एंटर हो चुके हैं चोकरधानी परिसर में। लालटेन के साथ परिसर बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये छोटा सा मंदिर माता रानी का, ये भी बहुत सुंदर है। आगे कुछ सूचनाएं दी गई है, उसे पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं टिकट काउंटर की तरफ। टिकट काउंटर में 2 बोर्ड लगे हैं आज के प्रोग्राम के, और राजस्थानी थाली का जो मेन्यू है वो बता रहा है हमें। हम यहाँ से टिकट ले लेते हैं। ये मेजरिंग बार है जो कि स्पेशली बच्चों के लिए है। हमारी टीम ने टिकट ले लिया है। आप देख सकते हैं टिकट इस तरह का होता है, और इस टिकट में 2 तरह के टिकट है। एक तो फूड का टिकट है। ये आप देख सकते हैं आज का प्रोग्राम है, पूरा का पूरा प्रोग्राम दिया गया है इसमें। और दूसरा राजस्थानी जो मेन्यू है थाली का, वो भी दिया गया है। टिकट के प्राइस कुछ इस प्रकार है कि जो 2.5 से 4 फीट के बच्चे हैं उनके लिए 400 रुपये का शुल्क लगता है, और उसके ऊपर के जो लोग हैं उनको 700 रुपये देना पड़ता है, और उसके नीचे के जो बच्चे उनको टिकट नहीं लगता। हम एंटर होते तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ उत्तम, और ये मेरा चैनल है उत्तम ज्ञान एंड दर्शन। चेक पोस्ट पर हमारा स्वागत होता है तिलक के साथ एवं कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ। पर वेलकम ड्रिंक दिया जाता है जो कि छाछ है। किससे बनाते हैं छाछ? नो आइडिया। दही से बनता है ना। तो मैं तुमको इनको टेस्ट कर रहे हमने पूछो। हाँ। है। अच्छा दिखाइए। बढ़िया, हमारा तांगे का सवारी चालू है। देखिए हमारी टीम तांगे में सवार एंजॉय कर रही है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। चलो हम झूले में बैठ चुके हैं। हमारे टीम में बच्चों ने कैमल राइड को बहुत एंजॉय किया। मजा आ रहा है कि नहीं? फ्रेंड्स अब हम टैटू वाले सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर टैटू बन रहा है, तो हमारा जो रियांश है उसे स्पाइडरमैन का टैटू बनाना है,
तो देखते हैं कैसे बनता है टैटू। गीत गजल है, हमें कुछ कम पसंद इसलिए हम आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर चंपी मालिश, और ये भूल भुलैया है। चले देखते हैं इसमें जाकर। पूरी चोकरधानी राजस्थानी कल्चर एवं ट्रेडिशन से सराबोर है। अगर आप कभी राजस्थान नहीं गए हैं तो राजस्थान की एक झलकी आप यहाँ से पा सकते हैं। राजस्थान के खान पान, उनके पहनावे के बारे में जानकर हमें बहुत ही आनंद आया। ज्योतिष विद्या सेक्शन है, महाकाली ज्योतिष हस्तरेखा। हमारे टीम के एक मेंबर ने भी हस्तरेखा को आजमाया। बना हुआ है आपका, यानी आपका स्वभाव जो रहेगा ना वो थोड़ा तेजस्वी यानी जिद्दी और गुस्से वाला रहेगा। स्वयं आपके अपने स्वाभिमान पे आपका जीवन बना रहेगा। जहाँ भी रहोगे रानी बन के रहोगे। पर बेटी आपको पढ़ाई लाइन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। शिक्षा आपकी पूरी होगी लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद ये है चित्रकला का सेक्शन। यहाँ पे क्या होता है भाई? ये बायोस्कोप है सर। अच्छा, बायोस्कोप देखिए साहब। हाँ आओ साहब, बायोस्कोप है। जिन्होंने बचपन में देखा होगा उसे बायोस्कोप कहा जाता है। कठपुतली नृत्य या पपेट शो ने हमारे दिल को जीत लिया, जो कि मुख्य आकर्षण का एक केंद्र था। बच्चों ने तो पूरा एंजॉय किया ही, साथ ही साथ हम भी उनके साथ हो लिए। जाओ जाओ, फ्रेंड्स हम आ चुके हैं सांप सीढ़ी के गेम पर। जो सांप सीढ़ी का गेम हम घरों में खेलते हैं उसे यहाँ पर बहुत ही बड़े आकार में संजो कर रखा गया है। आप देख सकते हैं अभी दो और दो चार देखो, पांच चार नौ। फ्रेंड्स हमें लग गई है तेज भूख, अब हम आगे बढ़ते हैं पानी पूरी की तरफ। आज
कैसा टेस्ट? पानी पूरी के साथ साथ हम सभी ने झुनका भाकर का भी स्वाद लिया। ये है झुनका और भाकर रेडी है। ये सब रेडी है। और क्या क्या है? ये आम का अचार है। चटनी। अच्छा, ये झुनका है। ये आम का अचार है। हाँ, ये चटनी है। और ये चटनी। हाँ। चटनी किससे बना है? ये लहसुन। ठेचा, ठेचा। अच्छा, ठेचा है ये। अच्छा, ठेचा बोलते हैं लाल लहसुन का चटनी है। ये भाकर आपने किससे बनाया? ये जो आई रोटी मौसी बनाती है। किससे? ज्वार की रोटी। ज्वार की रोटी है। अच्छा, तवे बनाते हैं। हाँ, तो हमारे भाई साहब यहाँ पर झुनका भाकर खा रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कैसा स्वाद है। बहुत टेस्टी स्वाद है, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, बहुत डिलीशियस है। तो हम आ चुके हैं चोकाधानी रेल देखिए, ये टॉय ट्रेन है। आपने इसे शिमला दार्जिलिंग में देखा है और ये ट्रेन का प्लेटफॉर्म है। हमारी पूरी टीम ने एक साथ टॉय ट्रेन की सवारी की और सच मानिए यहाँ एक औसम सा एक्सपीरियंस था। देखो टॉय ट्रेन की सवारी कैसी थी? अच्छा लगा, मजा आया। ये आदिवासी नृत्य है। इनका जो संगीत है वो आपको भी उनके साथ नाचने पर मजबूर कर देता है और इसी प्रकार हमने भी उनके साथ ही दो चार झुमके लगाए। पर इस लड़की की बैलेंसिंग देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेहंदी वाले सेक्शन में बच्चों एवं महिलाओं का खासा इंटरेस्ट दिखा। तो फोटो यहाँ पर 100 रुपये में खींचे जाते हैं कॉस्ट्यूम के साथ। और ये गेम्स है जैसे बलून फायर का है, ये डार्ट फेंकने का है, ये आर्चरी, ये बॉल वाला गेम है। नहीं नहीं नहीं, चलो। मैजिक शो देखकर तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। खासकर ये कबूतर वाला शो तो मेरा फेवरेट था।
कालवेलिया नृत्य ने तो हमारा मन ही मोह लिया और हमें मजबूर कर दिया कि हम भी स्टेज में अपने जलवे दिखाएं। नहीं, ये गाना पसंद अब हम डिनर के लिए चलेंगे, वहाँ पे जो हॉल दिख रहा है वहाँ। राजस्थानी खान पान पूरी तरह से शाकाहारी और अपने आप में यूनिक होता है। चलिए देखते हैं क्या है थाली में। थाली में परोसे जाने वाला भोजन पूरी तरह से शाकाहारी एवं राजस्थानी खान पान पर आधारित होता है एवं परोसने वाले जो होते हैं वे भी राजस्थानी वेशभूषा में होते हैं। हमारी टीम ने भोजन स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह मैं भी अपना भोजन स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे बच्चे की थाली है और ये मेरी थाली है। खाना कैसा लग रहा है? खाने तो दीजिए पहले, फिर बता। ये बाटी है, इसमें दाल डाला जाता है, पहले इसको फोड़ा जाता है, दाल डालते हैं और इसमें चूरमा डाल के इसे रोटी से खाया जाता है। ये तो रोटी है, ये पनीर है, ये कढ़ी है, ये गुलाब जामुन है, ये दाल है, ये बाटी है थोड़ी छोटी है, ये चूरमा है, इसे गट्टा कहते हैं, गट्टा ये इसे आप छोला कह सकते हैं लेकिन ये छोला नहीं है, गट्टा है। ये आलू गोभी है, गोभी की सब्जी, ये सलाद या अचार, चटनी और दाल बाटी और चूरमा को मैंने मिक्स कर दिया है। देखिए राजस्थानी खान पान हो या उनकी वेशभूषा, हमने सबका आनंद बहुत जम के लिया, बहुत ही इंजॉय किया हम सब ने, खासकर बच्चों ने। छोटा हो गया। खाना वाकई में बहुत टेस्टी था। हमारा तो मन एवं पेट राजस्थानी खान पान एवं उनके ट्रेडिशन एवं कल्चर से भर गया। जाते जाते हमारे एक मेंबर ने कच्ची घोड़ी नृत्य किया, आप देख सकते हैं, आपको शायद अच्छा लगे। यहाँ पर देखो, इधर वीडियो
स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।